दिव्यांगों के लिए लगना पड़ेगा। करनाल में भाई मंजीत लखवाने का कार्यक्रम है, गेराव का 7 तारीख को बच्चे के तमाम साथियों ने हिस्सा लेना। हम इस मार्ग के अंदर आपका दिल से सहयोग करेंगे। भाई कुलदीप पुनिया उगड़ा ग्रुप से विरोध कर सभी साथियों का मैं दिल से ज्ञापन के लेकर हृदय का नमस्कार करता हूँ। और साथियों आपको विश्वास दिलाते हैं, हम चाहे घरे हों चाहे छोड़े हों न पछताएंगे होंगे, न हमारे इरादे गलत है न हमारे मुद्दे गलत है। जैसा विकास जी श्री सर बता करके गए हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी महिला एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, छत्र मोदी मुर्दाबाद, वोटों खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोटों खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 लड़ते लोग जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर का भाईचारा जिंदाबाद, 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला सत्र पर है चाहे तहसील सत्र पर है, विश्वासघात दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और जैसे ही किसान मोर्चा आगे की हमें कॉल देगा उसके ऊपर एक्शन लेंगे। 3 बजे तक हमारा चलेगा। विश्वासघात दिवस के रूप में इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जो सरकार जिस तरीके से उम्मीद और आशा के साथ हमने उनके साथ एक समझौता किया था, वो समझौता बिल्कुल उन्होंने वादा खिलाफी की है। देश की पूरी जनता इसे निराशा में है और पूरे रोष में है। तो आज बीजेपी सरकार के हम पुतले जलाकर ये हमारा धरना प्रदर्शन है, ये विश्वासघात दिवस मनाया। किसानों की गिरफ्तारियां भी हुई है कुछ? किसानों की जो गिरफ्तारियां हुई है उनके बारे में भी हमारे किसान मोर्चा के बड़े नेता भी आए हुए हैं, उनके बैठ के हम डिस्कस करेंगे उनके ऊपर क्या एक्शन लेना है। क्योंकि जो हमारे चाहे हमारी केसों की बात हो या जो मुआवजा देने की बात हो, तमाम जो मांगे हैं चाहे वो MSP पर जो कमेटी गठित करके उन किसानों को शामिल करना हो, सभी बातों के साथ जो सरकार ने वो वादा खिलाफी की है उसके ऊपर शुभ किसान मोर्चा आगे की क्या गाइडलाइन देता है उसी के हिसाब से शुभ किसान मोर्चा इशारा के काम। आपका नाम? मेरा नाम सरदानंद राजली। विकास जी, भाई जी, आज क्या सरकार ने आपसे क्या वादे किए थे उस टाइम में जो अभी सरकार उनसे मुकर रही है, उनको लेकर आप आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं? देखिए, हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का सरकार के बीच में लिखित समझौता हुआ, उस लिखित समझौते के अंदर साफ शब्दों में लिखा था कि तत्काल प्रभाव से केस वापस होंगे, जो कि अभी तक नहीं हुए। कितने केस हुए अभी तक? अभी तक जो सरकार मुख्य की बता रही है, लिखित में हमारे पास कुछ नहीं है। अभी तक लिखित में हमारे पास कुछ नहीं है। तो अखबार के माध्यम से पता चला कि हरियाणा के 80 FIR वापस हुए हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं मानते, कन्फर्म है कि वापस हो लिए कि नहीं हो लिए। अभी दिल्ली के सारे केस यूं के यूं पड़े हैं, बाकी स्टेटों के अंदर कोई केस का वापसी के ऊपर कोई काम अभी तक नहीं चल रहा है। शहीदों को मुआवजा देने की बात थी, अभी तक उसके ऊपर भी सरकार ने कोई अमल नहीं किया है। MSP के ऊपर कमेटी बनाने की बात थी, उसके ऊपर भी सरकार ने कोई अमल नहीं किया है। कुल मिलाकर के ये है कि जो सरकार जो किसान को बार बार बदनाम करने का प्रयास कर रही थी कि किसान जो है मान नहीं रही। किसानों ने बड़ा मन दिखा करके सरकार के साथ समझौता किया था और इस समझौते को लागू न करना, ये सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। और इस असली चेहरे को लोगों के सामने लाने के लिए यहाँ विश्वासघात दिवस के रूप में आज हम बना रहे हैं, ताकि पूरे देश की जनता को पता चले कि किसानों के साथ किस प्रकार सरकार धोखा कर रही है। और ये केवल मात्र एक दिन का नहीं है, अभी तो हमने एक सिग्नल के तौर पर आज एक संकेतिक है, उसके बाद भी इस मोर्चे की मीटिंग के अंदर बड़े फैसले, क्योंकि हम किसी भी रूप में जितने मुकदमे सरकार के द्वारा दर्ज किए गए वो सारे के सारे झूठे हैं। और सरकार ने समझौते में तत्काल प्रभाव से वापस लेने की बात हुई थी, आज महीनों बीत चुके हैं लेकिन केस यूं की। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो आपके इलेक्शन में जो 5 राज्य में चुनाव है उन पे कोई फर्क पड़ेगा? जो है यूपी में प्रचार खिलाफ नहीं करेगा बीजेपी के, लेकिन जब बीजेपी ने वादा खिलाफी की है तो क्या किसान यूपी में जाके बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे? देखिए, हमने कभी ना मोर्चे ने कभी ये फैसला लिया कि सरकार के खिलाफ हम प्रचार नहीं करेंगे या लड़ना छोड़ देंगे। मोर्चे के अंदर स्पष्ट हमने ये कहा था कि हम आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन हमने दिल्ली से उठाया था, न कि देश से आंदोलन को वापस लिया था। और प्रचार की बात जब है कि जब
अभी हमने जो यूपी मिशन शुरू किया है 1 तारीख से, वो भी इसलिए मजबूरी बन शुरू कराया क्योंकि सरकार अपने समझौते से भाग रही है। हो सकता था कि अगर सरकार अपने समझौते के ऊपर रहती तो हमारी MSP की जो बात बची थी उसके ऊपर हमने आंदोलन करना था, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम मुकदमे वापसी के लिए आंदोलन करें। आंदोलन करना हमारा शौक नहीं, सरकार मजबूर कर रही है और हमारा कोई लेना देना नहीं चुनाव से कि कौन हारता कौन जीतता है। सरकार मजबूर कर रही है हराने जिताने के काम को करने के लिए मोर्चे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare